इधर आओ, हाँ बताओ यार, तुमको मैं बिस्किट खिला दूँ? So guys, this is Disu Dami. यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, हाँ मेरे दोस्त ले ले ले। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश व्लॉग। आज का व्लॉग इस सुनहरे नज़ारे के साथ, थोड़ी सी धूप निकल रही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा मौसम भी ख़राब होगा दोपहर के टाइम पे, और कल भी होप्स शायद ख़राब होगा। आज मैं यहाँ से जाऊँगा मुंशियारी, स्टे मैंने अभी बुक कर लिया है, सुबह के बज रहे हैं 8 एंड जाएंगे, 1 से 2 घंटे का रास्ता है, 50-60 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद वहाँ से देखेंगे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ खरियान टॉप है, मैंने कुछ लोकलाइट्स लोगों से पूछा है, यहीं पर थल में अभी मैं स्टे कर रहा हूँ। कंफर्टेबल स्टे था, ठीक था सब, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हुई, खाने पीने का भी हो गया था कल रात में, बगल इन्हीं का ऊपर रेस्टोरेंट भी है, बगल में हमारे यहाँ पेट्रोल पम्प है, ये सामने दिख रहा पेड़ के पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है, तो आप यहाँ से भरवा सकते हो। मुंशियारी की तरफ जा रहे हो तो यहाँ से एक और पेट्रोल पम्प पड़ता है, उससे भरवा सकते हो, उसके आगे कोई पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा। मुझे रिटर्न भी होना है अपने घर के लिए, तो कल जब मैं रिटर्न होऊंगा तो कुछ अच्छे वाटरफॉल्स हैं वो भी दिखाऊंगा, प्लस बस बारिश ना हो ये इम्पोर्टेंट है, प्लस हमें कवर कर रहा होगा कल बहुत लंबा सफ़र, वो मैं आपको कल बताऊंगा। चलते हैं सीधे, अब आपको बाइक में मिलूंगा। सो गाइस चलते हैं, हो गया हमारा, ये हमारा दोस्त भूपेश, ओके बाय। तो गाइस जाते जाते कुछ और हमें चीज़ें मिल गई सीखने के लिए, सेकंड चीज़ और भी ट्रैक्स मिल गए आने वाले फ्यूचर में, क्या है बताऊंगा, पंच केदार, पंच बद्री, ये सारी जगह मिल गई। थोड़ा सा हल्का है, बस ये गिरे ना, देखते हैं, वैसे गिरना तो नीचे, इधर तो मैंने बांध रखा है। इनका मेरे को कार्ड मिला है एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मुझे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एरिया मैनेजर हैं ये SBI में। और दोस्त चलता हूँ बाय। तो हम लोग कहाँ रुके थे, हम लोग रुके थे ऋतुराज होटल एंड रेस्टोरेंट, ये देखो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, थल में आप आते हो, थल उसके इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में जब आप चलते हो मुंशियारी की तरफ। लेकिन एक नंबर का स्टे, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा था, चाय भी लाई, सब कुछ, इनका रेस्टोरेंट भी इसी में, तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई रेट पे दे रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे दे रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में रहता है, मतलब बाकी और जगह पे अल्मोड़ा में काफ़ी महंगा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे अफोर्डेबल रेट पे आपको मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हो स्टे है आपका। मैप लगा लेता हूँ गाइस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा वीडियो ब्लॉग आ चुका है एंड ये है हमारा लास्ट पेट्रोल पम्प, बस ज़्यादा नहीं, 500 मीटर की दूरी पर है, हमें चलना है ओके रूफ टॉप, मुंशियारी रूफ टॉप, हमें चलना है 72 hours and 42 minutes शो कर रहा है, तो मतलब 12 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ से जाता है धारचूला का भी रास्ता है, ये देखो, हाँ देखो बिरती फॉल नशा नहीं, हमें चलना है नीचे की तरफ, धारचूला देखो इधर जाता है, पिथौरा घर इधर जाता है, हम यहीं से आएंगे शायद जहाँ तक है मुंशियारी दीदी हाट थल। लंगूस ये देखो सामने बैठा हुआ, हट जाइए गुड बॉय, पत्ते खा रहा था। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ हमने स्टे किया था ना वहाँ वाईफाई की भी फैसिलिटी है, एक नंबर का वाईफाई चल रहा था, मेरा कुछ काम थे पेंडिंग वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे अपने। जबरदस्त, वाओ वाओ वाओ, क्या एंट्री है, हो राम गंगा, आराम आराम से चलाऊंगा मैं तो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, कोई ऐसा नहीं कर रहा है कहीं टॉप पर जाना है, बस जाना है, इंजॉय करना है, फीलिंग लेना है, एक जीवन में कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है वो इम्पोर्टेंट है। गाइस रुके हैं नेचुरल पानी का मज़ा लेने के लिए, मतलब भर लूँ मैं, मैंने भरा नहीं था ना, प्यास भी लगी है। तो गाइस, तो गाइस बना ली रील मैंने बना ली, यहाँ देखो पानी गिर रहा है ना, इसके मैंने बढ़िया सा रील बना लिया, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो ये वीडियो तो काफ़ी देर में आएगा और रील बहुत पहले आ जाती है, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है travelfit_आशीष, फॉलो कर लो जाकर के। नेचुरल नेचुरल पानी पियो, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स होती है पेट की, लेकिन एक दिन से नहीं होता है, लगातार आपको पीना रहता है, उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है जब तक आपका खुद का ना हो। ओहो हो, कितनी बड़ी चट्टान है ये,
आप समझ में आ रहे हैं ना, अल्मोड़ा के माउंटेन्स में और थोड़ा हाइट पे जाओगे वहाँ के माउंटेन्स में, ज्यादा नहीं होते ऐसे ऐसे, एक ही दो होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं। के ये देखो, देखो कितना ग्रीन आ रहा है पानी, ग्लेशियर का पानी है ये, जो सिटी है ना उससे भी ज्यादा क्लीन है। तो गाइस हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नाचनी, नाचनी क्रॉस हो चुका है, ये तो बहुत ही प्यारी जगह पर आ गए। काटा जा रहा है, ऊपर तक कैसे पहुंच जाते हैं पता नहीं कैसे। आप यहीं से हो, यहाँ पे सामने रहते हो, कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पर ना, वीडियो में, वीडियो में आ रहे हो आप, वीडियो में। यहाँ नहीं, आगे, हाँ 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 वहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है नमस्ते। हाँ आएगा आएगा, हाँ मेरा लखनऊ, यूट्यूब में देख लेना, घर पर है आपके, नाम तो पता होना चाहिए, ट्रैवल फिट करके है चैनल का नाम, यूट्यूब पे डालोगे ना तो आएगा। हाँ चैनल का नाम लिखो आप, लॉ लिख देता हूँ, ये लो, किस पे लिखूँ, व्हाट्सएप पे, किसको भेजना है बताओ, किसको भेजूँ, बेटी है, ये बेटी का है, ठीक है इसको भेज देता हूँ, ठीक है ट्रैवल फिट करके। उत्तराखंड ऐसा बोला तो अब ना आप फिर आ जाता है, यह नेटवर्क आ रहा है, कौन सा है, जियो अच्छा है, जियो लेना पड़ेगा, एयरटेल नहीं पकड़ रहा है, इसमें भेज दो, ठीक है आंटी नमस्ते, प्रणाम बाबू जी, देर हो, प्रणाम प्रणाम। नाम बताओ आपका, मेरा नाम आशीष है, आशीष, आशीष ब्लॉग लिख दिया मैंने उसमें नाम। सो गाइस अच्छा लगता है पहाड़ी लोगों से बात करने में, आंटी लोगों से बढ़िया, सब अपना चैनल का नाम दे दिया उनको, पूछ रही थी, वाह वाह वाह, इतना प्यारा व्यू आ रहा है उसके अंदर, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है पहाड़ का। गाइस एयरटेल नहीं मिलता यहाँ, जियो मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ एयरटेल को हटाना पड़ेगा मुझे, उनका नेटवर्क ही नहीं होता है, जियो एटलीस्ट रहता तो है। बीआरओ ने एक बोर्ड लगाया है, बोर्ड वहाँ लिखा हुआ है, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, सही है, वाह 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 वाह, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, मोड़ पर पास देना और पास मांगना खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग देते हैं, आर्मी, आर्मी की गाड़ी, ओहो हो, कितना प्यारा है, वाओ, ओहो भाई देख रहे हो चिड़िया को, ये बहुत रिस्क ले रही है, ये मैं कैसे मैं फेस कर रहा हूँ ऐसी चिड़िया, एकदम ग्राउंड लेवल से जाती हैं, मुझे लगा गई लेकिन बच जाती हैं, स्पीड स्लो है ना इसीलिए मैं धीरे चला रहा हूँ गाड़ी, कोई जल्दी नहीं है। क्या पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ रुक करके थोड़ी फोटोग्राफी हो जाए, वहाँ जाना है कहाँ जाना है मुझे नहीं पता ये, लेकिन ये चीज़ गलत है यार, ये चीज़ मत किया करो, पहाड़ों में आकर के फेंक देते हैं बॉटल्स। अब मैंने क्या कर दिया ना, इसको पीछे बांध दिया, अपना जो ट्राईपॉड है और इसका जो स्टिक है DJI का पीछे बांध दिया, क्या है ना बार बार बैग से निकालना, इससे बेटर एक ही बार निकालो, बढ़िया सा शॉट लो। यहाँ पर पानी का फ्लो, ये देखो टूट गया, वो तेरी टूट गया या क्या किया गया नहीं पता, लेकिन डेंजर है, यह बनाया जाएगा मुझे लग रहा है, पता नहीं जो भी होगा, ऐसी लोकेशन से हाय पहाड़ी पीपल, आई लव पहाड़ी पीपल, आप लोग को भी अच्छे लगते होंगे। नहीं बस ये देखो ये रहा बिरथी, ये फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसकी बिरथी फॉल, ओहो हो यहाँ का पानी फ्लो देखो कितना तेज है, ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, डरा रही हो, गलत बात कर रही हो, ओहो हो हो वाटरफॉल अद्भुत अद्भुत, एकदम रोड पर ही है, सबसे अच्छी बात यह है आपको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लुफ्त ले सकते हो, मतलब क्या बताऊं मैं, यहाँ से जो फीलिंग होती है ना वो कभी भी वीडियो में नहीं हो पाएगी, देखो वहां से फॉल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है,
ट्रैक है क्या भैया ऊपर? ट्रैक है, ट्रैक है ना? गया, देखो मेरा दोस्त आ रहा है मेरे पास। इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ बचाओ यार, तुमको मैं बिस्किट खिला दूँ? मेरा भाई है यार, मेरा भाई है, मेरा भाई है। चलो अभी आता हूँ यार नीचे। अरे हाँ, शेक हैं मेरा दोस्त, शेक हैं। हाँ दिला रहा है गाइस। अभी यहाँ पर ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, एयरटेल तो बहुत बेकार है। अभी मैंने वाईफाई लिया अंकल से, तब जा करके भैया को मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ का पेमेंट दिया है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मैं कैश रखता नहीं हूँ, बैग अंदर भी दबा हुआ है। बाइक वो खड़ी कर दी है मैंने, देखो नीचे दिख रहा है रोड पे। और भैया पर्ची दीजिए, 20 रुपीज़ का पास हो गया। अंकल से मैंने वाईफाई ले लिया यहाँ से। अभी देखते हैं, खाने का भी देख लेते हैं, हो जाता है यहीं पर ले लेंगे। बाकी मैं पोस्ट कर रहा हूँ बताने के लिए कि मैं नेटवर्क में नहीं हूँ। बाकी अपना दोस्त भी चलेगा साथ में, चलेगा। ऊपर देखो कहाँ जा रहे हैं, दिख रहा है? यस, बित्ती वाटरफॉल। गाइस देख रहे हो, पहुँच गए। खड़ी चढ़ाइए ना, सांस रुक जाती है। चलते हैं, किधर से रास्ता है? मिल नहीं रहा रास्ता वहाँ से, पता नहीं वापस आना पड़ा मुझे, इस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। ये देखो बन रहा है कुछ यहाँ पर। आराम से, ये पहाड़ मेरा जोर जोर आराम से ले लेगा पत्थर। ओ तेरी, ये फिसलन है। लेकिन शॉर्ट में आ गया है। ओहो, देख रहे ऊपर से? तो गाइस वी हैव रीच्ड बिरथी वाटरफॉल फाइनली। चलते हैं, रील बनाते हैं बढ़िया पे और मजा लेते हैं। ये देखो नेचुरल बनाया गया पूरा लोगों के द्वारा, ऐसा तो नहीं बनी है ये। अभी दिखाते हैं मजे। तो गाइस बहुत प्यारी प्यारी रील लिए, फोटोज लिए। चलते हैं अभी नीचे। जय श्री राम। ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये गलत जा रहा था मैं, यहाँ पे जाएंगे। गाइस अब तक चल रहा है अपन मक्खन एंड चाय, और पीछे देखो अंकल, अंकल फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे लग रहा है आप ही कर रहे हैं टूरिंग। अंकल का गेटअप भी ऐसा ही है। तो गाइस चलते हैं कि अब होने जा रही है बारिश। मौसम ऐसे बनेगा नहीं लेकिन ठीक है, देखते हैं। कीचड़ है, कीचड़, इससे बच के चलना होगा। ओहो 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 ओहो, चलते रहो चलते रहो। मज़े आ रहे हैं, बारिश हल्की फुल्की हो रही है लेकिन ऊपर बादल बने तो हैं। और नीचे देखो गाइस, ओहो हल्की सी कमी और नीचे गए। गाइस कैसे नहीं है, भगवान मेरे साथ है। अभी देख रहे हो भाई लोग जा रहे हैं आगे, ये लोग मिले, लोग ने बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला यहाँ जा रहा हूँ, कहते काम करो खलिया टॉप मेरे साथ चलो, डायरेक्टली लोकल है। गाइस बारिश हो रही है इसीलिए अभी तक माइक मैंने लगाया नहीं है, लेकिन एक नंबर कहाँ आ गए जन्नत। भाई फोटो हाँ, फोटो पीछे हो जाओ मैं थोड़ा।
तो गाइस वी हैव रीच्ड खलिया द्वार, हम लोग खलिया टॉप जा रहे हैं। 8 किलोमीटर है बेस्टी फॉल, 26 किलोमीटर मुंशियारी, 8 किलोमीटर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ, देखो खलिया टॉप। एक्चुअली खड़े थे, देखो भाई खड़ा है अपना यहाँ पर, गए पूछने के लिए कि ऊपर टेंट अवेलेबल है कि नहीं, बैटरी भी इसमें जा रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर भी है देखो, 8 किलोमीटर हमें जाना है, देखो लिखा हुआ है खलिया टॉप यहाँ से 8 किलोमीटर है, बिरती फॉल जहाँ से आ रहे हैं मुंशियारी यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से बाइक से है, यहाँ भाई ट्रैकिंग करके जाएंगे ऊपर, पूरा स्नोफॉल है शायद, पता नहीं, देखते हैं, बर्फ़ होगी अभी पता नहीं, भाई लोग गए आएंगे तो बताएंगे। सो गाइस हम लोग यहाँ से, हम लोग का हो गया पूरा बुकिंग, हम लोग जा रहे हैं पहले यहाँ से, देखो व्यू पहले ज़बरदस्त दिख रहा है। और ये हैं हमारे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, ले 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 ले, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, चलो। भाई लोगों ने सारा बुकिंग वुकिंग देख लिया था, अभी हम लोग चलते हैं। ऐसी ट्रैकिंग, ऐसे ट्रैकिंग कम कपड़ों में करनी चाहिए, पसीने हो जाते हैं। तो गाइस हमारे साथ कौन कौन है, देखो हमारे भाई दिव्यांशु, दिशु बॉय, ये हमारे अभय भाई, इन्होंने मेरे को बोला था चलने के लिए, ये सूर्य एक ही बात है, और ये हमारे जोरा, इनका नाम बड़ा आसानी से आता है मुझे, एयरफोर्स की जाती है। चलो देखो ऐसे करते हैं ट्रैकिंग, मैंने इसलिए कर रखी है, क्या क्या मैं उतारूँ फिर करूँ, टाइम वैसे ही ले रहा था, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही चल लेते हैं। ट्रैकिंग में मोटे कपड़े पहन के कम चलो, मतलब ऐसे पर चलो तो जल्दी से आपका सूख लेते हैं, तो ठीक है में मिलते हैं। पहाड़ी लोगों के साथ ट्रैक करने का फ़ायदा ये रहता है, शॉर्टकट लेके जाते हैं, अगर आपको ट्रैकिंग करने में मज़े आते हैं तो और मज़े आएंगे। मेन रास्ता उधर से हम लोग यहाँ से शॉट मार रहे हैं, बहुत कर रही है। एक बार इसके कपड़े दिखाओ, यहाँ दिखाओ एक बार इसके कपड़े देखो, इसने कितने कपड़े पहने थे, ये टी शर्ट, ये और इसके नीचे एक और है, नहीं पहनना चाहिए, पता था बाहर से, विंड शीटर अलग से पहना था, बताना पड़ेगा, काफी बैंड हो जाएगी, नहीं तो सारे लोअर नीचे अंदर से गया, बस के पीछे पैंट है, इसके अंदर एक और पैंट है, ये तो बहुत के लिए विंड शीटर है, रेन कोट है। सो गाइस दिस इज दिसो दामी स्ट्रेट अवे फ्रॉम पिथौरागढ़। गाइस पैंट पिच गई, हालत खराब है, 2 किलोमीटर और जाना है, वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट है। ये लोग काफ़ी ऊपर चले गए, लगेज एक दे दिया मैंने इनको, क्योंकि ये लोग काफ़ी फास्ट है यार, इन लोग की हैबिट है ना, पानी पीने के लिए रुक गया था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, काफ़ी वेट कम होगा। चलो जय माता दी, जय बजरंग बली, ताकत आ गई पानी पीने के बाद। तो दोस्तों हमने 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर दिया है, और ये भैया बहुत थक चुके हैं, बहुत ही मजा आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यू डोंट वेट। हमारे को DJI में भी 10% बैटरी बची है बस, रुको मैं आ रहा हूँ, यार्ट यार्ट यार्ट, पहुँच गया मैं तुम्हारे पास भाई, यार जंगली है तुम्हें, थैंक यू मेरे दोस्त मुझे जंगली कहते हैं, ये भैया बहुत थक चुके हैं, रुको नहीं जा रहा हूँ मैं, जा रहे भाई से, ये देखो हालत देखो इनकी, ये भैया बहुत थक चुके हैं, रुको नहीं जा रहा हूँ मैं, जा रहे भाई से, ये देखो हालत देखो इनकी, ये तो पहाड़ी फटाफट, ये तो सब बहुत टाइम के हैं, ये भैया बहुत थक चुके हैं, हाँ ये देखो बैग हैंड ओवर कर दिया है जोरा जी को। गाइस पहाड़ी लाइफ इज नॉट इजी, पीपल नेक्स्ट लेवल, शॉर्टकट ला रहे हैं, अभी तक नॉर्मल रास्ते से नहीं गए लोग, नॉर्मल जाएंगे नहीं हम, पैंट में जाती बहुत फिटनेस फिटनेस करता था, यहाँ फिटनेस दिख रही है, पेड़ दिखा पहले, इस पेड़ पर जाएंगे हम, लाले पेड़ में ठीक है, ज़्यादा ऊँचा नहीं है, चढ़ जाएंगे।
देख रहे हो गाइस, गाइस थोड़ा सा हम लोग ने ना पहाड़ी नमक सेव खा लिया, एनर्जी आ गई, अब चलते हैं ऊपर। गाइस हालत ख़राब है, लेकिन पीछे नज़ारा देखो, ऊपर फोटो सेशन हो रहा है भाई लोगों का। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, नहीं तो ये रास्ता देखो, देख रहे हो यहाँ से होते हुए ऊपर आना पड़ता। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ जल्दी, ताकि ऊपर बहुत जन लोग के साथ। गाइस ओ देखो ऊपर दिख भी रहा है कि नहीं, ओ देखो पानी और खाने की व्यवस्था, कुछ खा के नहीं निकला, गलती किया। फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड, और ये देखो पानी, और यहाँ अपने लोग बैठे हैं, पानी। गाइस मच नीडेड ब्रेक आ गया अपना, मैगी एंड चाय ले खाते हैं फिर निकलते हैं ऊपर, और उसके उस पार जाना है। 800 मीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है, खड़ी। क्या पता चल रहा है, ये तो स्टाई भी रहे हैं। चलो ब्लैक टी गाइस, यहाँ पर इतना चल रहा है, ब्लैक टी एंड ऑमलेट। भाई मैं नहीं खाता हूँ। सो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं कलिया टॉप की तरफ, कम से कम ये खड़ी चढ़ाई है, इसके पार पूरा वहाँ स्नो है। चलते हैं गाइस, ये देखो यहाँ से दिख रहा है पंचाचुली, नीचे मुंशी आ रही है, पूरा जो एरिया दिख रहा है, अगर दिख रहा हो तो। नीचे धूप है थोड़ी थोड़ी, ऊपर ऊपर भाई लोग जा चुके हैं। सो गाइस ये देखो, सीधे ध्यान रखो जब भी बुग्याल की साइड या किसी भी ट्रैक पर आते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप पढ़ सकते हो। बेसिक चीज़ें क्या है, कूड़ा नहीं करना है, आग नहीं लगाना है, नहीं तो 5,000 का जुर्माना और 2 साल की सजा, ध्यान रखें। सो गाइस फाइनली अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, 1 किलोमीटर और चलना है, वहाँ टॉप पे वो दिख नहीं रहा है ना, और ये देखो यहाँ पर आ गई हमारी आइस, ब्लैक आइस कह सकते हो इन फॉर्म, नीचे सारा आइस ही है नीचे तक। देखो ऊपर चढ़ रहे हैं, सबको मोटिवेट किया जा रहा है चलने के लिए, हम भी चलते हैं। वहाँ पर देखो दिख रहा है, नहीं दिखेगा अभी, इतना चलना है, देखो आइस आ गया, चलते हैं गाइस। पारा देखो आ गया पूरा भीग गया, नज़ारे देखो, नज़ारे कहाँ पहुँच गए हम लोग, एक नंबर के गाइस देख रहे हो। और जहाँ जहाँ पाँव पड़े हैं वहाँ वहाँ रखना है, ओ तेरी ओ। एक नंबर, किसको पता है कि यहाँ आज आइस है, कल 40 डिग्री टेम्परेचर में जाऊँगा। गाइस देख रहे हो ये रास्ता कैसे जा रहे हम लोग, शॉर्टकट, वो मेन रास्ता है वहाँ से नहीं जा कर के, शॉर्टकट। सही ट्रैकिंग तो यही हो रही है अच्छी तगड़ी वाली, यहाँ देखो आइस। चलते हैं, वीडियो चल रहा है, है? वीडियो चल रहा है, कैसे जाएंगे? चलो हे तो भाई इधर इधर, अभी चलो चलो पर इधर इधर इनको घास भी भरोसे चले। हाँ प्रॉब्लम हो गया, उठ नहीं रहा अभी तो। आइस हाँ और अच्छा लगता, अभी चला नहीं है ना। अरे गाइस तो फॉल भाई, ये लोग कहाँ से लेके जा रहे हैं पीछे दिखाना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ, एकदम हिम्मत नहीं करी तो आके लेट गया तुरंत, भोलेनाथ के दर्शन।
हर हर महादेव। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसे हम लोग यहाँ पॉइंट पे तो पहुंच चुके थे और ये है एक्चुअली जीरो पॉइंट, इसके आगे कोई भी पॉइंट नहीं होता है। ये देखो हैव रीच जीरो पॉइंट, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। लेकिन बस हमारे पास व्यू नहीं है, लेकिन जो हम लोग ने दिखाया, जो मैंने स्पेशली दिखाया, अनप्लैंड हो गया था और अचानक से आ गया, क्योंकि आना था, भोले शंकर ने बुलाया था। हर हर महादेव। इस समय देखो अगर हो पा रहा है तो नहीं दिखेगा, ओहो गिर रहा है, पर आ जा, बर्फबारी हो रही है गाइस। देखो कैसा नज़ारा नीचे बैठ बैठ करके, ये भी याद रखूँगा लाइफ में। एकदम स्टीप है, शुक्ला जी कैसा रहा एडवेंचर? ये वाला एक नंबर का, ये वाला जबरदस्त था, दिखाओ भाई। ये देख भाई हम लोग आए हैं गाइस, ये देखो ऐसे स्ट्रीट पे गए भी हैं और आए भी हैं, आने में हालत खराब हो रही थी गाइस, अभी लग गया यहां सारा। अभी सामने देखो कुछ नहीं है, पीक पिंक कुछ नहीं दिख रही है, और हमें वापस जाना है 3-4 किलोमीटर। तो दोस्तों हम 0.3 की तरफ जा रहे हैं, बहुत तो आपत आ गई, बहुत ठंडा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। यू वोंट बिलीव हम लोग ना फंस गए हैं। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, बोट्स को, हम लोग एक्चुअली में फंस गए थे, पीछे पूरा अंधेरा है, आँखें आके देख रहे हो, मुंह पूरा, एक्सट्रीम कंडीशन तो नहीं कर लेंगे, लेकिन फिर भी पाला, कम से कम आधे घंटे हम लोग रास्ता भटक गए थे, कोहरा इतना ज़्यादा था। अभी नीचे जा रहे हैं, अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, भाई लोग ऊपर हैं, देखो कुछ नहीं दिख रहा है, तो गाइस सब कुछ खाना पीना हो चुका है, एक नंबर का भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो एक्सपीरियंस है ना मेरी लाइफ का अब तक का सब ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, वो जो पहाड़ पे ऐसे चल करके जिस तरीके से हम लोग गए और जिस तरीके से आए ना, कभी नहीं भूलूँगा, एक गलती और सीधे नीचे, लेकिन ठीक है यही एडवेंचर होता है। बाकी तो बस इतना बोलूँगा कि आप लोग भी एक्सप्लोर करो, जितना घूम सकते हो उतना घूमो, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और सो सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ या जो आपने देखी होंगी आपको पसंद आएंगी, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं बढ़िया से और भी और बेहतरीन, और आने वाले समय में जो कल हमें निकलने वाले अपने घर की तरफ, वो और भी थोड़ा रास्ता बेहतरीन होने वाला है, तब तक के लिए।